हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। हाँ, तो ये मेरे हाथ में है टी लाइट कैंडल होल्डर। इसे हमने बनाया है, इसे आप भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे बनाना बहुत सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे मिट्टी के बाउल लिए हैं और मैं इसके दोनों तरफ एक एक होल बना लूँगी। आप इसमें होल बनाने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आप इसे थोड़ी सावधानी से करें। अगर आपको होल बनाने में परेशानी होती है तो आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों ही बाउल में इस तरह से होल बना लिए हैं। अब मैं लूँगी एक वायर और इस वायर को इस होल में डालकर निकाल लूँगी और बीच से इसे फोल्ड कर लूँगी। बीच से इसे फोल्ड करने के बाद मैं जो वायर है उसे दूसरे होल से निकालूंगी और उसे अच्छे से ऊपर करके लपेट दूंगी। तो देखिए, ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं एक और वायर का टुकड़ा लूंगी और इस टुकड़े से इसे हैंग करने के लिए हुक तैयार करूंगी। तो जो हमने वायर को फोल्ड किया है इसे मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर देंगे और जो हमने हैंगिंग के लिए वायर लगाया है उसे भी मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मैं इसके बीच में इसे इंसर्ट करूंगी और इससे एक हुक तैयार करूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मास्किंग टेप से कवर करें। आपके पास अगर है तो आप कवर कर दें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप इसे कागज़ से कवर कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इसे किस तरह से कवर करेंगे या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, कवर करने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो हमारा जो मेन बेस है वो तैयार हो गया है, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस पे कलर कर रही हूँ। मैंने कलर करने के लिए वाइट एक्रेलिक कलर लिया है। आप अगर बेस में वाइट कलर करते हो तो इससे जो अगला कलर है, आप इस पे कोई भी कलर करोगे तो वो बहुत ही निखर के आएगा। फ्रेंड्स, तो मेरा वाइट कलर अच्छी तरह से सूख गया था, तो अब मैं इस पे जो है डिफरेंट कलर करूँगी। कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसी कलर से इसे कलर करें। मैंने इसे डिफरेंट कलर से कलर कर लिया है और वो सारे कलर सूख गए हैं, तो अब मैं बीच में इस तरह से ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। और जब ये ब्लैक कलर सूख जाएगा तब मैं इसके किनारे किनारे गोल्डन कलर से कलर कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कलर कर लिया है और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो मैं अब इस तरह का लेस ले रही हूँ और इस लेस को हम क्या करेंगे कि जो हमने हैंडल तैयार किया है इस पे इसे अच्छी तरह से लपेट देंगे। तो इसे सबसे पहले हमने चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू ऊपर लगाया है और इसे बस इस पे धीरे धीरे लपेटते जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप फैब्रिक ग्लू लीजिए, नहीं तो आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे तरफ के हैंडल को भी कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने घर में पड़ी कुछ मोती लेंगे और बस इससे छोटा सा एक लटकन बनाकर ऊपर हैंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा हैंगिंग कैंडल होल्डर है बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है।
और इसका जो कॉस्ट है, इसमें जो हमारा कॉस्ट लगा है वो तो आपको पता ही है कि कितना कम लगा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर करें। इसी तरह से मैं आपके साथ सिंपल और बजट फ्रेंडली क्राफ्ट शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।